हैं देश के पावर कॉरिडोर यानी दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल को जीतना जरूरी है। इसी फॉर्मूले के जरिए बीजेपी 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में भी यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन अखिलेश यादव और मायावती भले ही हाथ मिलाने के बाद भी नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक पाने में सफल नहीं हो सके हो, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ पूर्वांचल में सपा बसपा गठबंधन बीजेपी को टक्कर देता दिखा। दरअसल पूर्वांचल में कुल 26 लोकसभा सीट है। इसी पूर्वांचल की वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे की संसदीय सीट चंदौली पूर्वांचल में आती है। बीजेपी के ये तीनों दिग्गज अपनी अपनी सीटें बचाने में कामयाब रहे, लेकिन पूर्वांचल के गढ़ में सपा बसपा ने बीजेपी को चुनौती दी है। हालांकि बाकी यूपी के हिस्से में सपा बसपा गठबंधन उतना प्रभाव नहीं दिखा सका। दरअसल पूर्वांचल में कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बासगांव, फैजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, डुमरियागंज, महाराजगंज, अम्बेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, घोषी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर, फूलपुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ सीट आती है। पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 17 और 2 सीटें उसकी सहयोगी दल अपना दल को मिली है, जबकि बीएसपी को 6 और सपा को 1 सीट मिली है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने इन 26 सीटों में से 25 पर जीत दर्ज की थी और 1 सीट सपा को मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों की तुलना करें तो बीजेपी को यहां पर 6 सीटों का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।